कर लेते हैं कि लास्ट क्लास में हमने क्या-क्या कंप्लीट कर लिया था एंड आफ्टर दैट वी विल कंटिन्यू विद आवर सेशन ओके तो बच्चों इन आवर लास्ट सेशन वी टॉकड अबाउट भोपाल गैस ट्रेजेडी और ये जो भोपाल डिजास्टर है जिसे हम भोपाल गैस ट्रेजेडी भी कहते हैं ये कहां हुआ था तो ये भोपाल में हुआ था दैट इज इन मध्य प्रदेश ओके और इसे वर्ल्ड का इंडस्ट्रियल डिजास्टर किया जाता है। तो इसमें हमने पढ़ा कि भोपाल में एक इंडस्ट्री सेटअप था यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड इंडस्ट्री एंड दैट वॉज अ पेस्टिसाइड प्लांट इंडस्ट्री और इस दिन हुआ क्या था तो ये uh, भोपाल गैस ट्रेजेडी इट हैपेंड ऑन एंड 1984 तो ये 1984 की कहानी है जो कि भोपाल में हुआ था तो यहाँ पे जो इंडस्ट्री इंडस्ट्रीब्लिश था वहां पे गैस लीक हुआ था और गैस का नाम क्या था तो गैस का नाम था मिथाइल आइसोसाइनाइट जिसे हम एम भी कहते हैं और बच्चों लास्ट क्लास में हमने देखा कि ये काफी पॉइजनस गैस है इसके अलावा बहुत सारे दूसरे केमिकल्स भी यहाँ से लीक हुए थे और इसकी वजह से क्या हुआ था इसका सीधा इम्पैक्ट पड़ा था ऑन दी वर्कर्स वर्किंग देयर, राइट तो यहाँ पे जो पुअर फैमिलीज रह रहे थे जो कि वर्कर्स काम कर रहे थे उनके ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ा कि ऑलमोस्ट ओवर 8000 right? तो तो जो इस चीज को बुकते थे तो लाइफ टाइम तक अगर हम आज की डेट की भी बात करें सो दे आर नॉट एबल टू वर्क और ये क्यों हुआ था क्योंकि इस गैस ट्रेजिडी के बाद इन्हें बहुत सारे डिसऑर्डर्स हो गए थे

फिर हमने अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा दैट इज व्हाट्स अ वर्कर वर्थ और इस टॉपिक में हमने इसी गैस ट्रेजेडी का एग्जाम्पल लिया था तो जैसे मैंने बताया जो यूनियन कार्बाइड कंपनी है इट इज अ फॉरेन कंपनी और उन्होंने इंडिया में अपना इंडस्ट्री सेटअप किया था इस टॉपिक में हमने समझा कि जितने भी फॉरेन कंपनीज हैं, वो इंडिया में सेटअप क्यों होते हैं तो इसका मेन रीजन था चीप लेबर कि अगर हम कंपेयर करें बिटवीन द वेजेस ऑफ वर्कर्स हु इन यूएसए एंड दैट टू इंडिया तो हमें पता चलता है कि जो वेजेस यूएसए के वर्कर्स को मिलता है वो काफी हाई होता है है, वो बहुत सारे प्रॉफिट कमा सकते हैं अगर वो इंडिया में अपनी कंपनी सेटअप करे और ये मेन रीजन होता है की यहाँ पे जितने भी फॉरिन कंपनीज है वो अपने इंडस्ट्रीज को सेटअप करते हैं जिसकी वजह से चीप लेबर मिलता है और उसके अलावा जो वर्कर्स के फैसिलिटीज हैं, उन पे भी इन्हें फोकस नहीं करना पड़ता है, या इनके नहीं होते है। अगर हम जो भी सेफ्टी ट्रेनिंग था बच्चों उसे सिक्स मंथ से 15 डेज कर दिया गया था और इसी की वजह से बहुत सारे माल फंक्शन भी हो रहे थे जो की उसकी वजह से मेजर्स नहीं ले, ले पाए यहाँ के जो वर्कर्स थे ओके okay? सो so, अब इसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करने वाले हैं दैट इज व्हाट्स अ वर्कर वर्थ बच्चों लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक हियर तो लास्ट क्लास में हमने कंप्लीट किया था वे वी वर टॉकिंग अबाउट द सेफ्टी मेजर्स दैट वर टेकन इन द यूनियन कार्बाइड इंडस्ट्री नाउ वन वर्कर कैन इजीली रिप्लेस अनदर तो यहां पर जब हम बात कर रहे थे अबाउट द रीजंस राइट so, सो employment, employment right? so, इसकी वजह से जितने भी लो वे वर्कर है वो किसी भी कंडीशन में चाहे वो हजार हो उसमें भी वो वर्क करने के लिए रेडी हो जाते हैं और हमारा पॉपुलेशन इतना ज्यादा है की जो लो क्लास के लोग हैं जो जिन्हें बहुत ज्यादा पैसे नहीं मिल पाते हैं तो यहाँ पे उनके लिए अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा होते हैं तो इजिली अगर एक वर्कर है दे कैन इजली रिप्लेस दर्कर ओके सिंस देर इज सो मच अनएम्प्लॉयमेंट देर आर मेनी वर्कर्स हु टू वर्क इन अनसेन्स इन रिटर्न

और इसकी वजह से बहुत सारे ऐसे हैजार्डस केसेस हो जाते हैं हमारा तो एक एग्जाम्पल है भोपाल गैस ट्रेजेडी का उसके अलावा बच्चों इंडस्ट्रीज में ऐसे बहुत सारे डिजास्टर्स और उनके बहुत सारे इंस्टेंसेस हमें आज के डेट पे भी मिलता है लेकिन वर्कर्स के पास कोई चॉइस नहीं होता है और उन्हें ऐसे अनसेफ कंडीशंस में भी वर्क करना पड़ता है चाहे वो छोटे बच्चे क्यों ना हो हमारे कंट्री में चाइल्ड लेबर को बैन किया गया है उसके बाद भी अगर हम सेंसस देखें तो हमें पता चलता है कि जो छोटे बच्चे हैं, वो भी ऐसे हजार कंडीशन में वर्क करते हैं नाउ पर हम दो सिचुएशन को कंपेयर करने वाले हैं एक हम यूएसए की बात करेंगे और एक हम इंडिया की बात करेंगे जैसे इंडिया का हमने यूसीआईएल इज यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड कंपनी उसके बारे में हमने ऑलरेडी बात किया है उसके जो सेफ्टी मेजर्स थे जो सेफ्टी ट्रेनिंग था उसके बारे में भी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया तो ऐसा जो सेफ्टी ट्रेनिंग होता है क्या वो यूएसए में भी सेम होता है या फिर वहां पे कुछ एडवांस तरीके से ट्रेनिंग की जाती है जहाँ पे वर्कर्स के कंडीशंस को ध्यान में रखा जाता है तो इस पॉइंट को हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं सो वी आर टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ वेस्ट वर्जीनिया जो की यूएसए में है ओके okay? जीनिया दैट इज इन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कंप्यूटराइज वार्निंग एंड मॉनिटरी सिस्टम प्लेस तो अगर हम बात कर रहे हैं यूएसए में किसी भी पर्टिकुलर जगह के इंडस्ट्रीज की तो वहां पर हम क्या देखते हैं कि वहां पे कंप्यूटराइज्ड वार्निंग एंड मॉनिटरी सिस्टम होता है राइट वेयर एज द यूसी प्लांट इन भोपाल रिलाईड ऑन मैनुअल गॉजेस एंड द ह्यूमन सेंसेस

एक हम डेवलप्ड कंट्री का देख रहे हैं और एक हम डेवलपिंग कंट्री का देख रहे हैं तो हमें पता चलता है कि वो रिलाई कर रहे थे, वो कर रहे थे पे या फिर ह्यूमन सेंसेस पे अगर उन्हें कोई गैस लीक डिटेक्ट करना होता तो क्या ऐसे सेफ्टी मेजर्स अच्छे हैं क्या ऐसे प्रिकॉशंस लेने अच्छे हैं फॉर दी वर्कर्स

एंटी वेस्ट वर्जीनिया प्लांट इमरजेंसी इवेकुएशन प्लान बट नॉन एग्जिस्टेंट इन भोपाल तो यहाँ पर आप देखो कि जब हम वेस्ट वर्जीनिया की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे इमरजेंसी इवेक्युशन प्लान ऑलरेडी प्लेस में थे लेकिन वही अगर हम भोपाल का एग्जाम्पल लेते हैं तो यहाँ पे नहीं था नोट लेट स्टॉक अबाउट आर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज इनफोर्समेंट ऑफ सेफ्टी लॉस कि जितने भी सेफ्टी लॉज हैं उनको इन्फोर्स कैसे करना है या कौन कौन से इन्फोर्समेंट है जो कि गवर्नमेंट ने बताए हैं एज द लॉ मेकर एंड द द गवर्नमेंट इज सपोज टू एंश्योर दैट सेफ्टी लॉज आर इम्प्लीमेंटेड तो ये किसका काम है कि ये सारे सेफ्टी लॉज जो है वो इन्फोर्स हो ऑब्वियसली गवर्नमेंट का इट इज ऑल्सो ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू एंश्योर दैट द राइट टू लाइफ गारंटीड

तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक ऐसा राइट दिया गया है सो दट एवरी इंडिविजुअलेशन ऑफ सेफ्टी स्टैंडर्ड इन दूसी प्लांट तो एक जाहिर सी क्वेश्चन है जो यहाँ पर रेज होता है बच्चों और ये क्या क्वेश्चन है कि यहाँ पे गवर्नमेंट का क्या रोल था जब ऐसे वायोलेशन हो रहे थे यूनियन कार्बाइड प्लांट में क्योंकि गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग एक्शन राइट सो फर्स्ट द सेफ्टी लॉस वैक्स इन इंडिया एंड सेकेंड इवन दीज वीक सेफ्टी लॉज तो हमने देखा कि जो यूनियन कार्बाइड प्लांट है यहाँ पे जो सेफ्टी लॉज थे वो काफी वीक थे और इनफैक्ट जो वीक सेफ्टी लॉज थे वो भी इन्फोर्स नहीं हुए थे सो गवर्नमेंट ऑफिशिय रिफ्यूज टू रिक्नाइज प्लांट एज हजार

कि उन्होंने नजरअंदाज किया इन सारे सेफ्टी मेजर्स को जो काफी वीक थे यूनियन कार्बाइड प्लांट में और जिसकी वजह से ये गैस लीक हुआ था इन भोपाल ऑब्जेक्टेड इंस्टॉलेशन ऑफ एन एमसीआई प्रोडक्शन यूनिट इन नाइनटीन सेवेंटी अ सेफ्टी वेशन अब यहाँ पे आप देखो कि ऐसे कुछ म्यूनिस्पल ऑफिशियल थे जो कि भोपाल में थे राइट right? और उन्होंने इसको ऑब्जेक्ट किया था किस चीज को दैट इज इंस्टॉलेशन ऑफ एन एमसीआई प्रोडक्शन यूनिट दैट इज मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस गैस जो गैस लीक हुआ था और जिसकी वजह से ये गैस ट्रेजिडी हुई थी राइट right? तो उन्होंने ऑब्जेक्ट तो किया था लेकिन द पोजिशन ऑफ द गवर्नमेंट वॉज दैट द स्टेट नीड्स दूटीन्यूड इन्वेस्टमेंट ऑफ भोपाल प्लांट विच प्रोवाइड जॉब्स लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट का जो पोजीशन था वो काफी डिफरेंट था। उन्होंने इसको इंस्टॉल करने के लिए बिल्कुल नहीं मना किया। उनको लगा कि यहाँ पे कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट होना चाहिए क्यों क्योंकि ये जो भोपाल प्लांट गैस जो भी इंडस्ट्री है बच्चों ये बहुत लोगों को जॉब्स प्रोवाइड कर रहे हैं राइट तो ऐसे इन्वेस्टमेंट करना काफी अच्छा होगा लेकिन क्या उन्हें ये पता था कि इससे गैस लीक हो सकता है या फिर इतना बड़ा गैस ट्रेजिडी हो सकता है जो कि आज के डेट में वर्ल्ड का सबसे वर्स्ट इंडस्ट्रियल डिजास्टर है सो इट वाज अनथिंकेबल अकॉर्डिंग टू देम टू आस्क यूनियन कार्बाइड टू शिफ्ट टू क्लीनर टेक्नोलॉजी एंड सेफर प्रोसीजर्स तो गवर्नमेंट ने भी कार्बाइड प्लांट को बिल्कुल नहीं मना किया इन ऑर्डर टू लुक फॉर अनादर ओके गवर्नमेंट इंस्पेक्टर्स इन प्लांट इवन वेन रिपीटेड इंसिडेंट ऑफ लीक्स फ्रॉम द्लांट मेड इट ऑब्वियस टू एवरी टू एवरी बॉडी दैट थैंक्स फॉर सीरियसली तो यहाँ पे गवर्नमेंट भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल है एज वेल एज द इंडस्ट्री क्यू क्योंकि जो गवर्नमेंट इंस्पेक्टर्स थे जो वहां पे हमेशा इंस्पेक्शन के लिए जाते थे वहां के सेफ्टी लॉस को इंस्पेक्ट करते थे तो उन्होंने भी इस पूरे प्रोसीजर को टोटली totally इग्नोर किया उसे कंटिन्यू किया अप्रूव करने के लिए ओके okay? और इसकी वजह से बहुत सारे ऐसे रिपीटेड इंसिडेंट्स हुए थे ऑफ गैस लीक नॉट दिस इज कॉन्ट्ररी टू वॉट द रोल ऑफ लॉ मेकिंग एंड एनफोर्समेंट एजेंसी शुड बी जाहिर सी बात है, जो ग इंटरेस्ट ऑफ दीपल देर सेफ्टी वॉज बी डिसमेंट एज वेल एज दाइवेट कंपनीज तो फाइनली हम कंक्लूजन क्या बता सकते हैं अगर हम भोपाल गैस ट्रेजिडी का ये पूरा इंसिडेंट देखे तो यहाँ पे गवर्नमेंट और जो प्राइवेट कंपनी है बच्चों दे बोथ आर फॉर दी इंसिडेंट क्यों क्योंकि गवर्नमेंट गवर्नमेंट ने भी रेपिडली इस चीज को इग्नोर किया उन्हें लगा कि जो भी प्रोसीजर्स हो रहे थे वो काफी अच्छे थे और वो अप्रूव किए जा रहे थे राइट और जो प्राइवेट कंपनीज है वो अपने प्रॉफिट के लिए वीक सेफ्टी मेजर्स ला रहे थे दैट वॉज बी इग्नोर By the government. तो बहुत ही important point है जो आपको यहाँ पर समझना होगा और जो हम example देख रहे हैं भोपाल गैस ट्रैजेडी का वो हमें बताता है what is the role of government and also the private companies in order to protect the interest of the workers and also the people who are living there. Okay? to aaj ki class mein humne kya padha In today's class we talked about or we compared two situations. एक हमने वेस्ट वर्जीनिया प्लांट के बारे में पढ़ा फिर हमने उसे भोपाल की जो प्लांट था यूसी प्लांट था उससे कंपेयर किया और हमने देखा कि जो वेस्ट वर्जीनिया में जो भी सेफ्टी मेजर्स थे वो काफी अच्छे थे जो मॉनिटरिंग सिस्टम था बच्चों वो काफी बेटर था एज कंपेयर टू दैट ऑफ दी भोपाल गैस प्लांट अपार्ट फ्रॉम दैट वी ऑल्सो टॉक्ट अबाउट दी एनफोर्समेंट ऑफ सेफ्टी लॉस जो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट की और अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं भोपाल गैस ट्रेजेडी का तो उस पे हमने देखा कि गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट दोनों ने इस पॉइंट को इग्नोर किया था और गवर्नमेंट ने अप्रूव किया था जो भी वीक सेफ्टी मेजर्स थे दैट वर टेकन बाय दी प्राइवेट कंपनी हियर दैट इज द यूसी प्लांट हियर ओके तो नेक्स्ट क्लास में वी आर गोइंग टू टॉक मोर अबाउट दीज इश्यूज सो दैट्स ऑल फॉर टुडे Thank you very much. Have a nice day.